जरा गौर से देखिए इस शख्स को। वृंदावन पुलिस द्वारा पकड़ा गया ये शख्स होली वाली गली होली गेट मथुरा का रहने वाला भुवनेश चंद्र शर्मा है। ये वो शातिर है जिसने महंत बाल मुकुंद शरण शास्त्री निवासी वृंदावन की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हम आपको बता दें कि वृंदावन के रहने वाले महंत बाल मुकुंद शरण शास्त्री अपने ड्राइवर के साथ रवाना हुए, उसके बाद वे फिर वापस नहीं लौटे। पुलिस द्वारा महंत की काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लग सका। लगभग एक माह बाद महंत की शिनाख्त हो सकी। महंत का शव राधा रानी मंदिर के समीप मिला था, जिसको किसी ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया था। इस मामले में पुलिस ने महंत की हत्या करने वाले उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इस हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भुवनेश चंद्र शर्मा अभी तक पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था। पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर आखिरकार भुवनेश चंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए एसएसपी सलम माथुर ने बताया कि महंत के ड्राइवर के साथ भुवनेश ने महंत को साइनाइड देकर मारने का प्लान बनाया था, लेकिन साइनाइड न मिलने पर भुवनेश ने महंत को नींद की गोलियां खिला दी, जिसके बाद बेहोशी होने पर महंत की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पकड़े गए भुवनेश चंद्र शर्मा से अवैध असला और कारतूस भी बरामद किए हैं। ये 13 जून को एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी थाना माठ क्षेत्र के अंदर। इस डेड बॉडी का अनावरण किया गया था। अनावरण करने के बाद ये प्रकाश में आए कि ये महंत बाल मुकुंद शास्त्री हैं, जो कि वृंदावन के अंदर रहते थे, और जो है इनके चेहरे के ऊपर पेट्रोल डाल के इनकी हत्या की गई थी शिनाख्त छुपाने के लिए। इस घटना का अनावरण किया गया था। घटना में टोटल 6 लोग के नाम प्रकाश में आए थे। 4 लोग इसमें ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ। इसमें से 2 लोग शेष रह गए थे, उनमें से एक भुवनेश चंद्र शर्मा, जिसके ऊपर की 50,000 रुपये का इनाम था, इसको गिरफ्तार किया गया है मैं तमंचे के साथ पुलिस मुठभेड़ के अंदर। ये व्यक्ति जो है इस पूरी घटना के अंदर शामिल था। घटना भौतिक लाभ के लिए अर्जित की गई थी और इनके ATM आदि चीज़ों से विड्रॉल भी किए गए थे। ये पूर्व से ही जो बाल मुकुंद शास्त्री जी थे उनके परिचित थे, एक उनका ड्राइवर था, जानने वाले थे, और उसके बाद जो है इन्होंने जो ये पर्टिकुलर भुवनेश चंद्र शर्मा ये पूरे षड्यंत्र घटना के दौरान शामिल रहा, और इसने इस चीज़ का भी इकबाल किया कि जो नींद की गोलियाँ देकर उनको बेहोश किया गया था वो इसी के द्वारा किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जो शेष एक व्यक्ति रह गया उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।